नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच दो राज्यों की पुलिस कर रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब इस केस को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच को सही करार दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। कम से कम प्रवर्तन निदेशालय को तो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करनी चाहिए और तुरंत मामला दर्ज करना चाहिए। इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं, उसमें कहां के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के परव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने प्रोब करना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस से पटना पुलिस को पूरी जांच मिल जाती है और पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का साथ मिलता है तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई जांच के लिए कदम उठाएंगे। मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। अगर उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है तो नीतीश कुमार सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहेगी तो सीबीआई जांच नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था, जिसके बाद से ही मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 40 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। इस सब के बावजूद मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इससे इनकार किया है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस जब पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची तो उन्हें बीएमडब्ल्यू कार की सवारी करते हुए देखा गया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट में लिखा कि क्या बीएमडब्ल्यू में घूमते हुए ये बिहार पुलिस के लोग हैं? क्या नीतीश कुमार पुलिस का इतना ख्याल रखते हैं? बाद में पता चला कि वो कार सुशांत के किसी करीबी की थी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले फ्लैट में सुसाइड किया था। आरोप लगा कि उन पर दबाव था और वो डिप्रेशन में थे। इस मामले में मुंबई के अलावा अब पटना में केस दर्ज हुआ है और पटना पुलिस इसकी जांच कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की ओर से याचिका दायर कर मामले को एक ही जगह चलने की अपील की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।